आज मेरा जन्मदिन है और इसका मतलब है यह है कि इसे मनाने का समय है। यह लो और यह लो तुम बेवकूफ क्रीपर। मुझे लगता है कि केट को मेरी मदद की जरूरत है। मैं जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ। दादी मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे यह नहीं खाना है। ओह केट किसी मुसीबत में है, मैं आ रही हूँ। बच्चे ध्यान देना है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। यह क्या हो रहा है? मैं आ रही हूँ। यहाँ क्या हुआ केट? कोई बड़ी बात नहीं, यह सिर्फ इतना है कि मेरे जन्मदिन पर मैं एक स्वादिष्ट केक का स्वाद लेना चाहती हूँ। आपको इसे मेरे लिए बनाना है। मैं मल्टीडू चुनौती की घोषणा कर रही हूँ। केक? हाँ आसानी से। अपने करियर के दौरान मैंने उतने केक बेक किए हैं जितने तुमने अपने पूरे जीवन में नहीं खाए होंगे। सबसे पहले हमें केक को ठीक से काटना होगा, या कहे तो बस उनमें एक समान छेद बनाना होगा। फिर व्हिप क्रीम के साथ तैयार केक को ग्लू करना होगा। हाँ जरा इसे देखो, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। और एक के बाद दूसरी परत, और अंदर मैं एक गिफ्ट छिपाऊंगी जिससे केट पक्का बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। मुझे लगता है कि इससे मुझे एक जीत मिलेगी। जरूरी बात मेरे सरप्राइज को अच्छी तरह से छिपाना है। व्हिप क्रीम की मोटी परतों के पीछे ऐसा करना सबसे अच्छा है। हमें इसे अच्छे से चिकना करना होगा ताकि केक अच्छा दिखे। जरा देखो यह कितना सुंदर तैयार हुआ है। अब बस M&M's कैंडीज के साथ केक को सजाना ही बचा है, तो यह और भी सुंदर हो जाएगा और जाहिर है स्वादिष्ट। मेरी पोती केक में एक नए स्मार्टफोन को देखकर ऐसी सस्ती चाल में नहीं फंसेगी। वो सिर्फ अपने जन्मदिन के लिए एक सुंदर और स्वादिष्ट केक चाहती है, यही मैं उसके लिए करूँगी। सबसे पहले हमें आटा गूंदना होगा। मुझे लगता है कि हर कोई उसकी रेसिपी जानता है, यदि नहीं तो मेरे हाथों को ध्यान से देखो। हाँ एकदम सही। फिर हमें थोड़ा कोको डालना होगा। तो हमारे बनने वाले केक में एक बढ़िया चॉकलेटी स्वाद मिलेगा। और इसका कलर भी चॉकलेट का होना चाहिए। देखो जैक, क्या तुमने कभी इससे अधिक चॉकलेट डो देखा है? मैंने तो नहीं देखा है, यह वास्तव में अच्छा है। अब केक को बेक करना है। हालांकि पहले मुझे अपने हाथों पर लगे इस आटे से छुटकारा पाना होगा। दादी का आइडिया तो शानदार है। केट को वास्तव में चॉकलेट बहुत पसंद है। मैं उन सभी चॉकलेट बार्स में से एक केक क्यों नहीं बनाता जो उसे बहुत पसंद आए। यह एक तरह से आसान है, सबको बस निकाल कर पैन में डाल देना है। यह बहुत आसान है। हाँ एकदम आसान। यह ओवन का समय है। अरे मेरा इंतजार करो जैक, यह ओवन है, हम अपने केक अंदर डाल देंगे। यह कैसे काम करता है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। चलो हटो यहाँ से, मैं इसे खुद करूँगी। देखो तुमने कितना ज्यादा टेम्परेचर सेट किया है। तुम अपने अनाड़ी हरकतों से ओवन को बर्बाद नहीं करना चाहोगे, है ना? ताड़ा, केक तैयार है। जरा देखो यह कितना प्यारा निकला और क्या खुशबू है। केक निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। वाओ, मुझे भी कुछ सुंदर मिला होगा। हालांकि मैं इसे थोड़ी देर के लिए ओवन में छोड़ दूंगा। हाँ केक को तेजी से पकाने के लिए मैं अभी टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। दादी अब वैसे भी आसपास नहीं है। मेरा केक तैयार है। मुझे उम्मीद है मेरी पोती मेरे तरफ से इस तरह के उपहार से खुश हो जाएगी। यह एक केक कपकेक निकला और चॉकलेट वाला, और यह बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन इसे अभी खाना जल्दबाजी होगी। सबसे पहले हमें चॉकलेट को उबलते पानी में पिघलाना होगा ताकि वह पिघल जाए। अब इन चॉकलेट को कपकेक पर फैलाने की जरूरत है। पहले पैकेट को खोल लेती हूँ और इसे अच्छे से फैला देती हूँ। बेशक हमें स्वादिष्ट स्प्रिंकल्स को नहीं भूलना चाहिए। चलो यहीं तेज चलो। आउच, मैं केक के बारे में पूरी तरह से भूल गया। उम्मीद है कि यह ठीक होगा। ओह कितना भयानक, मुझे लगता है मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही पका दिया है। ओह खैर उम्मीद है कि मैं कुछ उपाय लेकर इसे ठीक ही कर दूंगा। अरे नहीं, सभी के पास ऐसे सुंदर केक है लेकिन मेरे पास ये कोयला है। मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? जैक परेशान मत हो,
अरे हाँ बिल्कुल, मेरे मन में एक अच्छा आइडिया आया है। केक को सजाना जरूरी है, फिर इसके नुकसान दिखेंगे नहीं। ओह मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। रो मत केट, यह चुनने का समय है कि किसका केक बेहतर है। वाह बेशक आप सभी ने बहुत कोशिश की है जैक को छोड़कर। ओह चॉकलेट का ये ओवरकुक टुकड़ा कैसा है, क्या ये चारकोल क्रस्ट है, क्या उसने इसे आग पर पकाया था। ओह मुझे नहीं पता था कि चॉकलेट भी बर्बाद हो सकता है, छी भयानक। चलो आगे बढ़ते हैं। दादी लेकिन आपका कपकेक बहुत सुंदर दिख रहा है, आइए देखें क्या यह हमेशा की तरह स्वादिष्ट है या इससे भी बेहतर। इसे कहते हैं स्वाद। मुझे आपके केक बहुत पसंद है। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। निश्चित रूप से उसका केक भी बहुत अच्छा होगा। अरे हाँ और वास्तव में यह बहुत स्वादिष्ट है। रुको यहाँ अंदर क्या है, दिलचस्प है। वाह अभी तक किसी ने भी मेरे लिए सरप्राइज के साथ केक नहीं बनाया है। वाह यह बिल्कुल नया आईफोन है। टीना मैं ऐसी चीज का सपना भी नहीं देख सकती थी। जरा सोचो मैं कितनी अच्छी तस्वीरें ले सकती हूँ। और इसमें और क्या क्या फंक्शंस है। निश्चित रूप से यहाँ बहुत सारे कूल गेम्स है। टीना यह सच में बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक इतने शानदार काम के बाद यह तुम ही हो जो विनर होगी। ओह कितना अच्छा है, मुझे पता था मैं जीतूंगी। इस बार मेरे लिए एक सैंडविच तैयार करो, मैं लंच करना चाहती हूँ। हुर्रे मैं ऐसा कर सकता हूँ। यह एकदम आसान है, आसानी। केट क्या तुम्हें याद है कि ऐसे कितने सैंडविच मैंने तुम्हारे लिए पहले बनाए हैं? तुम्हें उन्हें स्कूल भी ले जाती थी। बेशक सभी सैंडविच के बीच तुम वो चुनोगी जिन्हें तुम्हारी प्यारी दादी ने बनाया होगा। परंपरा के अनुसार मैं टोस्टर में ब्रेड डालूंगी, उसके बाद यह गर्म और बहुत अधिक स्वादिष्ट होगा। इसके बाद मेरा फेवरेट नट का पेस्ट आता है, केवल यह जार किसी तरह खुल नहीं रहा है। जैक तुम मेरी मदद करो। हाँ दादी यह इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या मैं इसे चख सकता हूँ। कितना स्वादिष्ट है यह। जैक तुम क्या कर रहे हो, यह सैंडविच के लिए है। ओह ठीक है मैं वैसे भी इसे बचा नहीं पा रही हूँ, मुझे केट के लिए कुछ और उपयोगी खाना बनाना होगा। जैसे कि वेजिटेबल सैंडविच क्यों नहीं बनाते, मुझे लगता है ये वास्तव में इसे पसंद करेगी। इसमें खीरे टमाटर सलाद सभी होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा हेल्दी। हाँ लेकिन स्वादिष्ट बिल्कुल नहीं। केट चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे लिए सबसे स्वादिष्ट सैंडविच बनाऊंगी। वैसे इसे करना बहुत मुश्किल नहीं है, सबसे पहले हमें कुछ चीज को ग्रेट करना होगा। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसे चीज पसंद नहीं हो। ऐसा कोई नहीं होगा। तो यह किसी के पेट को खुश करने का एक यूनिवर्सल तरीका है। अब थोड़ा जादू, चीज को फूड पेंट से रंगा जाना चाहिए, फिर इसे बहुत सुंदर रंग मिलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, अब हमें प्रत्येक चीज प्लेट को अलग अलग रंगों में रंगना होगा। अब आगे हमें ब्रेड के टुकड़ों से दिलों को काटने की जरूरत है। इस तरह के टुकड़ों पर सैंडविच न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि प्यारा और सुंदर भी होगा। ब्रेड पर चीज को रेनबो के क्रम में रखना होगा। अब इन सैंडविच को बेक करने का समय है। वाह यहाँ तक कि मैं भी इनको खाना चाहूंगी। बेशक क्योंकि मैं अपने क्राफ्ट की मास्टर हूँ। तैयार दिल को सलाद के पत्ते पर रखे जाते हैं और सब कुछ तैयार है। मैं भी लगभग कर चुकी हूँ। हाँ मैं टीना से सहमत हूँ, हेल्दी सैंडविच बहुत स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए मुझे कुछ हैम जोड़ना होगा और मैं इसमें थोड़ा केचप भी डालना चाहूंगी। यह बेहतर है, कितना बढ़िया है। ओ हाँ सैंडविच। ओ सभी ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है और मैं नट पेस्ट खाने में मग्न था। अब यही है जो मुझे बचाएगा। यह पेस्ट इतना स्वादिष्ट है कि ब्रेड के साथ कॉम्बिनेशन के बाद भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। लेकिन पीनट बटर और ब्रेड काफी नहीं है, मैं केला भी डाल देता हूँ। यह ठीक है, इस तरह से ब्रेड पर एक स्वादिष्ट क्रश दिखाई देगा। मैं बस थोड़ी सावधानी बरतूंगा इस आयरन के साथ। क्यों नहीं दादी, देखो मेरा आइडिया कैसा है, दिलचस्प। लेकिन जली हुई बदबू कहाँ से आ रही है। जैक यह सब तुम्हारे आयरन की वजह से है। ओ नहीं मैं कितना अनाड़ी हूँ, मैंने अपनी डिश फिर से जला दी।
जैक, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। मेरे पास अभी भी एक मौका है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जैक, क्या तुमने इसे फिर से चला दिया? तुमने मेरे लिए क्या तैयार किया है? यह खाना असंभव है। घिनौना। मैं थोड़ी सी ट्राई कर सकती हूँ। नहीं, यह बकवास एकदम बेकार है। आइए देखें कि दादी मुझे कैसे सरप्राइज कर रही हैं। इसे कहा जाता है सैंडविच। सबसे स्वादिष्ट सैंडविच जो मैंने कभी चखा है। अब बस टीना के सैंडविच को चखना बचा हुआ है। वाह, वे बहुत रंगीन है और अंदर इंद्रधनुष के सभी रंग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। कूल। वाह। और यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन फिर भी दादी का सैंडविच मुझे अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे माफ करना टीना। हुर्रे, आखिरकार मैं जीत गई। मेरे लिए इस बार एक चॉकलेट बियर बनाओ। मुझे एक स्वादिष्ट टेडी बियर चाहिए। कुछ नया। मुझे उम्मीद है मैं इसे संभाल सकती हूँ। मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। मुझे इसे बनाने के लिए ओरियो कुकीज की जरूरत होगी। सबसे पहले मुझे कुकीज के बीच की क्रीम से छुटकारा पाना होगा। यह कितना स्वादिष्ट है। अब इस कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। मुख्य बात, इस स्वादिष्ट को समय से पहले नहीं खाना है। अब आगे मुझे न्यूटेला की जरूरत होगी। कितना सुगंधित है। मुझे थोड़ा चक्कर देखना चाहिए। चिपचिपा मांस पाने के लिए इसे ओरियो क्रम्स के साथ अच्छी तरह से मिलाना होगा। न्यूटेला। यह वास्तव में एक अच्छा आइडिया है। मैं अपने डो में भी न्यूटेला मिलाऊंगी, जिससे यह अधिक चॉकलेटी होगा और इसलिए अधिक स्वादिष्ट भी। अब मुझे इस डो को मिक्सचर में अच्छी तरह फेंटना है। चलो मिक्सर से ट्राई करती हूँ। यह बढ़िया है। हाँ दादी, आप बहुत देर से डो तैयार कर रही हैं। मेरा पहले से ही तैयार है। मैं इसमें कुछ नेचुरल कोको डालती हूँ। मैं भी डो को चॉकलेटी बनाना चाहती हूँ। आखिरकार भालू भूरा होना चाहिए। वाह, तो ओरियोज और न्यूटेला का मेरा चॉकलेट मास तैयार है। इसमें से एक टेडी बियर बनाना जरूरी है। जैक, तुम्हारे पास कोई आर्ट स्किल नहीं है। इसे कैसे बनाना है, देखो और सीखो। मेरे पास पैनकेक बैटर लगभग तैयार है। इसे एक बोतल में डालना होगा ताकि बाद में इसे फ्राइंग पैन में निचोड़ना आसान हो। जरा देखो कि ये कितना सुंदर निकला। ये वास्तव में खाने वाले भालू है। केट बहुत खुश हो जाएगी। मैं भालू पर कैंडी आंखें भी चिपका सकता हूँ। वे तुम्हारे बेरित से बेहतर स्वाद देंगे। यह सब बकवास है। भालू बड़ा होना चाहिए। इसे बेक करना होगा। बर्नर के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है। वाह, यह बढ़िया लॉ है। मुझे यह पसंद है। ओह, चलो देखती हूँ। मैं कुकीज बनाना चाहती थी, लेकिन मैं पूरी तरह से भूल गई कि आटा फूल गया है। मैंने क्या किया? हाँ, बैड लक। मैं कितनी अनारी हूँ, मैं कैसे भूल सकती थी? वाह, आपके भालू बहुत प्यारे हैं। सिवाय इसके जो टीना ने बनाया है, यह एक तरह से डरावना है। मुझे उम्मीद है यह कम से कम स्वादिष्ट हो। आह, कितना भयानक। इसे क्रैक करना भी असंभव है। और नहीं, यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। एक टेडी बियर पैनकेक्स है। कितना प्यारा। हाँ, जब मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। आओ देखें कि जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। यह बहुत अच्छा है। मुझे ऐसे चॉकलेट भालू की उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत अच्छे प्रतियोगी हो जैक। तुम्हारी स्पष्ट जीत पर बधाई। आखिरकार मैं कब से इसका इंतजार कर रहा था। हुर्रे, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ।
मल्टीडू चैलेंज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सबसे मजेदार और स्वादिष्ट चुनौतियाँ मिलेंगी। हमारे साथ बने रहें।